कल शैलजा भी यात्रा निकाल रही है, तो विपक्ष को मुद्दा मिल गया कि कांग्रेस एक है ही नहीं। मैं कोई उसके जो है मैं समझता हूँ कि कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस हमारे जो है पूरी तरीके से एकजुटता से अपने अपनी जो है कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाएगी, और बाकी कोई अंदर कोई अंदरूनी कोई कांग्रेस की कोई बात होगी वो आपको पता है कि मैं उस को कमेंट कभी करता नहीं। हिसार में शुरू हुई कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा, किरण चौधरी और सुरजेवाला की जन संदेश यात्रा पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया है। दीपेंद्र ने कहा है कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और कांग्रेस में कोई भी गुटबाजी नहीं है। कल शैलजा भी यात्रा निकाल रही है, तो विपक्ष को मुद्दा मिल गया कि कांग्रेस एक है ही नहीं। मैं कोई उसके जो है मैं समझता हूँ कि कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस हमारे जो है पूरी तरीके से एकजुटता से अपने अपनी जो है कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाएगी, और बाकी कोई अंदर कोई अंदरूनी कोई कांग्रेस की कोई बात होगी वो आपको पता है कि मैं उस को कमेंट कभी करता नहीं। वहीं सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक के भिवानी स्टैंड इलाके में घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस कार्यक्रम के तहत दुकानदारों से मुलाकात की। इसी बीच दीपेंद्र भाजपा पर निशाना साधते हुए बोले कि वर्तमान सरकार ने रोहतक क्षेत्र में कोई नई परियोजना स्थापित करने का काम नहीं किया है, बल्कि इनके राज में बेरोजगारी महंगाई बेतहाशा बढ़ी है। लगातार कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर पिछले 5 वर्ष से आपने देखा हमारे अलग अलग कार्यक्रम चलते रहे। पहले विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के माध्यम से जनता की आवाज़ उठाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, और पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा भी हरियाणा से निकली थी। अब जब चुनावी वर्ष का बिगुल बज चुका है, 6 महीने में हमारी विधानसभा चुनाव है, 2 महीने में लोकसभा चुनाव है, ऐसे समय में एक और तो जन आक्रोश रैलियाँ हुड्डा साहब, उदयभान जी और तमाम सीनियर लीडर्स हम लोग जन आक्रोश रैलियों के माध्यम से अलग अलग विधानसभा क्षेत्र कवर कर रहे हैं। दूसरी ओर अब इन 6 महीने में हरियाणा विधानसभा चुनाव तक डोर टू डोर कैंपेन कांग्रेस पार्टी हर घर में जाएगी, घर घर कांग्रेस के इस कैंपेन के माध्यम से इस सरकार भाजपा सरकार जिसमें हरियाणा देश में बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया और विकास की पटरी से उतर गया, आज हरियाणा में पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड नौजवान कहीं नशे की तरफ, कहीं डिप्रेशन की तरफ, कहीं विदेश की पलायन की तरफ, क्योंकि रोजगार समाप्त हो गए, बट ना कोई विकास की बड़ी परियोजना आई 10 साल में जिस रफ्तार से विकास के रूप में हरियाणा आगे गया था, और भ्रष्टाचार की देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का समझौता हो गया बीजेपी जेजेपी का, एक के बाद एक माइनिंग घोटाला, शराब घोटाला, बड़े बड़े घोटाले सामने आए। तो आज इन बातों को लेकर और तुलनात्मक 10 साल के हमारे काम और 10 साल के इनके काम, इन बातों को लेकर घर घर कांग्रेस के माध्यम से हर घर में कांग्रेस पहुंचेगी हरियाणा के अंदर, ये हमारा कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत हरियाणा में हुई। हरियाणा में विकास कार्य की तुलनात्मक 10 साल इनकी सरकार बनाम 10 साल हमारी सरकार, ऐसे ही रोहतक लोकसभा क्षेत्र में मुझे यहाँ से लोगों के आशीर्वाद से अवसर मिला तो जो विकास के कार्य जो हुए, और अब ये 5 साल से जो सांसद हैं कोई एक विकास की परियोजना रोहतक लोकसभा क्षेत्र में, एक कोई विकास की परियोजना ये बताएं सांसद, या एक बार संसद में बोले हों, मात्र एक बार, वो आप बताएं। जो आपको याद है जो हमारे मुझे यहाँ से अवसर मिला था, तो चाहे वो 5 यूनिवर्सिटी बनने की बात हो, चाहे रोहतक में 1,080 किलोमीटर 4 लेन सड़कें उस समय लेने की बात हो, मेट्रो भादुगढ़ तक आने की बात हो, रोहतक झज्जर रेवाड़ी रेल की लाइन की बात हो, 3 बड़े औद्योगिक क्षेत्र IMT रोहतक, फुटवेयर पार्क भादुगढ़, रिलायंस MET के माध्यम से निवेश अपने क्षेत्र के अंदर लेके आने की बात हो, 2 थर्मल कारखाने जो है थर्मल पावर प्लांट झाड़ली में और खानपुर में लगाने की चाहे उस समय बात रही हो, और 68 अस्पताल ग्रामीण स्तर पे, 200 नए स्कूल और ITI, IIM, IIT और NIFTEM जैसी 5 बड़ी राष्ट्रीय संस्थाएं रोहतक लोकसभा क्षेत्र में लेके आने की बात है। मैं केवल यही सवाल पूछता जाता हूं कि जो मौजूदा सांसद हैं, क्या कोई एक परियोजना नहीं आई, उस बात का दुख नहीं है? मेट्रो भादुगढ़ी रुकी रही, रोहतक नहीं पहुंची, उस बात का भी दुख, इस बात का कि 5 साल तक एक बार भी संसद में मैंने उनको बोलते हुए भी नहीं सुना कि मेट्रो आगे आए, कम से कम बोल सकते थे, ये बात का तकलीफ है। ये इन बातों को लेकर जो मैं समझता हूँ कि भाई मैं इन बातों को लेकर हम लोग सारे घर घर कांग्रेस के माध्यम से
बता दें कि लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही हर राजनीतिक पार्टी ने कमर कस ली है। सभी पार्टियां किसी न किसी कार्यक्रम रैली के जरिए लोगों के बीच जाकर उन्हें अपनी पार्टी की नीतियों से अवगत करा रही हैं। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।